कम बैक टू माई चैनल तो मैं आज आपको द हिंदू के शॉर्ट नोट में क्या क्या मैंशन करना है ये बताने वाली हूँ चलिए देखते हैं पहला हमारा है फिजिकल डेफिसिट तो फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड आज न्यूज़ में है इसमें है इंडियाज़ फिजिकल डेफिसिट फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर ठीक है इन आ, तो ये इनक्रीज होते सिक्स पॉइंट टू लाख करोड़ और पहले कितना था फाइव पॉइंट टू सेवन लाख करोड़ था तो डेफिसिट जो है वो बड़ा है हाई और ये हायर सब्सिडी बिल की वजह से भी है और फिस्कल डेफिसिट से रिलेटेड कुछ जाना तो इसमें यह है कि डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ़ गवर्नमेंट ठीक है तो अगर फिस्कल डेफिसिट को डिफ़ाइन करना है तो ये जानना है कि टोटल रेवेन्यू ठीक है डिफरेंसेस जो होते हैं यानी कि जितने टोटल रेवेन्यू है उसमें से अगर माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ़ गवर्नमेंट तो हमारा पता चल जाएगा कि फिस्कल डेफिसिट कितना है और ये हेल्प करता है इंडिकेट करने के लिए टोटल बारोइिंग को ठीक है गवर्नमेंट वुड नीड टू पर्टिकुलर जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें यह चीज़ चेक किया जाता है इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट ऑन इन्फ्लेशन भी है डिपेंड ऑन काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट और यह है कि जो फिजिकल डेफिसिट के स्लो इकोनॉमी फिजिकल डेफिसिट की वजह से इकोनॉमी स्लो हो जाती है इफ़ मनी स्पेंड ऑन प्रोडक्टिव असिट दैट क्रिएट इन्वेस्टमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटी तो अगर मनी जो है वो स्पेंड हो स्पेंड uh, की जा रही है प्रोडक्टिव एसेट पे तो ये क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जो किंग्स हैं उन्होंने एडवोकेट किया है काउंटर साइकिल काउंटर साइक्लिकल फिजिकल पॉलिसी ठीक है ड्यूरिंग इकोनॉमिक इकोनॉमिक वो मतलब एक तरीके का ये बताया है कि काउंटर साइकिल फिजिकल पॉलिसी क्या है और ये उन्होंने किन्स ने एडवोकेट किया है फिजिकल डेफिसिट को लेकर उन्होंने इस बारे में अपनी बात कही है सेकेंड है रेड फ्लैग फेक न्यूज़ ठीक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये बात की है रेड फ्लैग फेक न्यूज़ इंक्लूसिव इलेक्शन ट्रूथफुली रिफ्लेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव विल ऑफ़ द पीपल्स एंड हॉलमार्क ऑफ द डेमोक्रेसी वी कैन यूज़ इट एज इट इज़ एज इन आर एस एज ठीक है ऐसे राइटिंग में हम इसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं इंक्लूसिव इलेक्शन truthfully reflect expression of collective will of peoples and hallmark of the democracy और इसमें यह है कि help करता है preserve करने के लिए freedom ठीक है platform required to thrive तो thrive जैसे कि theft और ये सबसे बचने के लिए ये preserve करता है freedom को platform ये require करता है free fair inclusive accessible and inducement free elections के लिए भी ये अच्छा है next one अमेडमेंट टू आई टी रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई टी इस ये नोटिफाइड करती हैं अमेडमेंट टू आई टी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल ट्वेंटी ट्वेंटी वन आई टी रूल्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन टू कैटेगरीज है इसमें टू कैटगरीज बताई गई हैं इसमें हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ये इंश्योर करती है बेटर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर यूज़र इंटरेस्ट तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज इंश्योर करती है बेटर प्रोटेक्शन ऑफ यूज़र्स इंटरेस्ट वन इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ एन मैकेनिज्म एपलेट मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल पहले तो सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं उनको एक बेटर प्रोटेक्शन मिल सके सेकेंड वन की जो इंस्टीट्यूशन का एपलेट मेकैनिज़म है ग्रीवेंस रिट्रेसल के लिए उसके लिए भी यूज़फुल है अमेंडमेंट रिक्वायर्स इंटरमीडियरीज टू रिस्पेक्ट राइट गारंटीज़ टू यूजर अंडर आर्टिकल 14 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये अमेंडमेंट जो है वो रिक्वायर्ड uh, मतलब uh, एक तरीके का uh, ये भी है कि जो इंटरमीडियरीज हैं या जो यूज़र हैं इंटरमीडियरीज वो होते हैं जैसे कि कोई प्लेटफॉर्म है ठीक है वो दो uh, अब सोशल मीडिया जो है उनका ये कहना है कि हम uh, दो जैसे कि दो लोग हैं उनको कनेक्ट करके जैसे बातचीत हो जाती है सारी चीज़ें तो इंटरमीडियरीज यानी कि एक uh, मध्यम जो भी मार्ग है जिससे लोग कनेक्ट हो सकते हैं ठीक है तो इसमें रिस्पेक्ट है, है तो इस करते हैं गारंटीज़ टू यूजर अंडर आर्टिकल फोर्टीन नाइनटीन एंड ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ये था हिंदू का एनालिसिस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू